आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुडेज गाइस, क्योंकि एक और गैजेट जुड़ने वाला है मेरी लिस्ट में। टाइटल देख के आपको पता चल गया, इट्स गोप्रो। यस, मैं एक और नया गोप्रो खरीदने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लास्ट गोप्रो था, गोप्रो हीरो 7 ब्लैक, वो खराब हो गया था अंडमान वाली ट्रिप में। जब मैं स्कूबा डाइविंग कर रहा था तब उसमें पानी चला गया। अलग ही कहते वाटर प्रूफ है, बट फिर भी हो जाता है। मुझे तो लगता है कि विदाउट वाटर प्रूफ केस तो कोई भी गैजेट हो वो पानी के अंदर लेके जाना चाहिए, स्पेशली सी वाटर। खैर, ये तो रही पुरानी बात, अब बात करते हैं नए वाले गैजेट की। मैं जो गोप्रो है वो लेने जा रहा हूँ ऑफलाइन। वैसे तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी काफी सेल चल रही थी, लेकिन मैंने ऑफलाइन खरीदना पसंद किया। उसका रीजन क्या था वो जब मैं गोप्रो ले आऊंगा उसके बाद बताऊंगा। और मेरी आवाज से आप पहचान सकते हो कि आज मैं कितना एक्साइटेड हूं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तैयार तो मैं हो चुका हूं, ब्रेकफास्ट कर लेता हूं और निकलता हूं। लेकिन फिलहाल तो मुझे अभी बहुत ज्यादा तेज भूख लगी है, तो मैं देखने के लिए आया हूं ब्रेकफास्ट बना क्या है आज। दाल एंड दलिया। तो दलिया तो हमारा फिक्स रहता है एवरी मॉर्निंग। काफी दिन से स्प्राउट ऐसे पड़े हुए थे, अंकुरित भी निकला है इसमें। आज यार जिम हो नहीं पा रही ना, तो डाइट भी थोड़ा ऐसे 19-20 रहता है। प्रॉपर जिम जाओ ना तो डाइट भी अच्छे से फॉलो होती है। तो पूरा दिन में पता होता है कि क्या खाना है कैसे। यह गया द्वारका मोड़ का पुल, अब यहाँ से मुझे लेना है लेफ्ट। इसे कहते हैं नाला रोड। तो ये नाला रोड ना पूरा उत्तम नगर विकासपुरी क्रॉस करता हुआ मिलता है पीतमपुरा की तरफ। आप यहाँ से रोहिणी भी निकल सकते हैं डायरेक्ट। काइंड ऑफ ये बाईपास रोड है, इसके इस साइड ये पूरा ये जो एरिया है द्वारका मोड़ नवादा उत्तम नगर आगे की तरफ मिलेगा हमें। जो दिल्ली के उनको तो पता ही है, बट जो दिल्ली के बाहर गए वो भी ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई ऐसा पर्पज नहीं है। तो कॉलेज टाइम में बहुत ज्यादा था मैं यहाँ से, क्योंकि द्वारका मोड़ से लेके उत्तम नगर तो बहुत भीड़ रहती थी, और उस टाइम बाइक थी तो आराम से हम लोग यहाँ से निकल जाते थे। बट अभी तो ये फिलहाल रोड बहुत अच्छी लग रही है, उस टाइम पे बहुत पैच हुआ करते थे बीच बीच में। और ये लेफ्ट हैंड साइड में पूरा ये चलता है नाला, ये नाला नजफगढ़ से लेके बल्कि नजफगढ़ नाला ही बोलते हैं इसको, बट ये स्टार्ट बहुत पहले से होता है और पूरी दिल्ली क्रॉस करते हुए मिलता है जाके यमुना में। तो मैं कह रहा था ना पैच आते धीरे धीरे, तो यही पैच, सीधे सीधे रोड आती फिर एकदम पैच आ जाएगा। तो इस रोड पे ऐसे ही चलता रहता पूरा, तो रात को तो मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ इस रास्ते पे आना। अगर ये रोड ठीक बना देना तो बहुत अच्छा रूट बन जाएगा ये। बस ये इन गड्ढों की वजह से मेरा इस रोड पे आने का मन नहीं करता। यहाँ से एक कट है जहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है, नाला क्रॉस करके उस साइड जाना है। वो भी पता नहीं कट कौन सा है, गूगल मैप चलाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे इस वाले लेफ्ट से मुड़ना था, मैं सोच रहा था इससे पहले वाला। जब स्टार्टिंग में इस रोड में आया तो मुझे लगा कि शायद कॉलेज टाइम से लेकर अभी तक इस रोड की कंडीशन अच्छी हो गई होगी, बट वैसे का वैसे ही है, वैसे की वैसे ही पैच बने हुए हैं, अभी तक गड्ढे हैं। भाई ये गूगल मैप इतनी पतली पतली गलियों से लेके जा रहा हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि गली खुली भी है कि नहीं। तो अभी फिर भी चौड़ी रोड आ गई है, अभी पीछे तो ऐसे और कहते गाड़ी जाने की जगह नहीं थी, इसलिए ना मैंने बगल वाला शीशा भी अपने अंदर कर दिया है। पता चला कोई तोड़ता भी चला गया यहाँ से। भाई मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्या, मैं दिल्ली तो क्रॉस नहीं कर गया, कहाँ ही ले आया गूगल से चला के। अब थोड़ा एरिया सही लग रहा है, वरना पीछे तो ऐसा एरिया था, पता नहीं ऐसा लगा कहीं कहाँ ही आ गया मैं। ये बिल्डिंग्स देखो सारी, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, बट बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है। तो यहीं पे कहीं होना चाहिए जो मैं पिक करने के लिए आया हूँ अपना प्रोडक्ट। यहाँ पे पार्किंग करने की जगह नहीं मिल रही यार। गाइस मैं हूँ अभी पीरागढ़ी में, और एक दोस्त के थ्रू मुझे पता चला था यहाँ पे एक ऑफिस है जो अच्छे रेट में गोप्रो 9 और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कुछ गैजेट्स वगैरह अच्छे रेट्स पे देते हैं। फिलहाल मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लोकेशन यही है, सी ब्लॉक बोला था उन्होंने पीरागढ़ी में। एक बार देखता हूँ कि कहाँ पे, थोड़ा पूछना पड़ेगा मेरे को। तो वो ऑफिस का नाम ही नहीं है कुछ, तो देखता हूँ अंदर जाके पूछता हूँ। लेकिन फिलहाल मैंने अभी लिया है गोप्रो 9, ये रहा वो पैकेज। घर पे जाके डिटेल में अनबॉक्सिंग करेंगे, बताऊंगा कि इस प्रोडक्ट के साथ क्या क्या मिला हुआ है। बहुत एक्साइटमेंट है, गोप्रो 9 फिलहाल आ चुका है। बहुत टाइम से सोच रहा था कि गोप्रो लूं, समझ नहीं आ रहा गोप्रो 8 लेता 9 लेता। वही भैया है नहीं यहाँ पे, जैसे आएंगे उनसे बात कराऊंगा। तो इनकी जो वेबसाइट है ई कॉमर्स साइट न्यू अनबॉक्स करके, वहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक्चुअली सील्ड ओपन होते हैं। ध्यान रखना सील्ड ओपन का मतलब ये नहीं कि वो यूज्ड प्रोडक्ट है। अब ये देखो ये न्यू प्रोडक्ट है, कहीं भी कोई स्क्रैच नहीं है, स्क्रीन गार्ड आगे फ्रंट बैक सब कुछ लगा हुआ है, मैंने एकदम चेक किया, लेंस में कोई इशू नहीं आया है, और ऑनलाइन से मुझे बहुत सस्ता पड़ा है सर बाबा। लेकिन मैं अभी उनकी डील को है रिवील नहीं कर सकता। सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है वो यहाँ पे मुझे विद बिल मिला है, ये सील ओपन है, धन रिफर्बिश नहीं है, जो रिफर्बिश खराब होते हैं वो ठीक करके देते हैं, बिल के साथ मिल रहा है। तो मुझे एक साल की वारंटी जो GoPro से मिलती है वो है आज से स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये सील ओपन होता है, इसमें सिर्फ एक ही होता है, तो इसकी वजह से सस्ता मिलता है। बाकी भैया आगे एक बार बात कराता हूँ उनसे, वो प्रॉपर ऑफिस नहीं है, ये जस्ट वर्किंग एरिया, यहाँ पे इनके ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होते। कोई चाहता है यहाँ पे आके लेना तो वो ले सकता है, ये पीरागढ़ी में है। इनका जो एक और ऑफिस है वो जनकपुरी में, वहाँ पे भी इनके प्रोडक्ट रहते हैं। आदित्य भैया, भाई हमारे साथ है, तो इन्हीं की साइड है न्यू अनबॉक्स, और ये सारे जो प्रोडक्ट हैं यही रखते हैं, और इन्हीं से मैंने GoPro 9 लिया हुआ है। तो बहुत अच्छी डील मिली है, डील अगर आपको पता करनी है वो बताऊंगा नहीं, डील पता करनी है तो
साइट पे जाओ, उनको कॉल करो, बेस्ट डील मिलेगी। भैया एक चीज और, कैसे पता चलेगा कि भैया ये प्रोडक्ट जेन्युइन है? पहली चीज तो मैंने उनको बता दी कि बिल मिलता है। देखिए GoPro का ना सबसे बेस्ट तरीका होता है, हमेशा आप चेक करो MRP डिब्बे पे, है ना, तो इंडियन MRP है, सब स्टिकर विकर सब लगे हुए हैं, सो दिस इज द बेस्ट वे, इंडियन होलोग्राम है GoPro ऑफिशियल प्रो इंडिया, सो ये दीज थ्री थिंग्स ये अमेज़न पे भी लिखा हुआ है कि हाउ टू चेक द ऑथेंटिसिटी। मतलब GoPro में और कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास? GoPro, इंस्टा, DJI सब प्रोडक्ट्स हैं, एक्शन कैमराज, हेडफोन, स्पीकर सब कुछ आता रहता है, लॉट्स, और सारे ये सील ओपन रहते हैं? हाँ, ओपन बॉक्सेस रहते हैं, कई बार सील पैक भी होता है, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ एज पर टाइम। तो मैं दो जो प्रोडक्ट देख रहा हूँ अभी, चला गया वाला प्रोडक्ट? हाँ, ऑस्मो एक्शन। अच्छा, ऑस्मो एक्शन पड़ा हुआ था यहाँ पे, वो चला गया है, और ये OM4 SE है, देखो पूरा एकदम डब्बा पैक है, देख रहे हो पूरा नया है ये, तो इसमें भी सारे प्रोडक्ट जो भी लोगे ना उसमें कंपनी वारंटी मिलेगी। बहुत जेन्युइन बंदा लगा यार मुझे, मतलब मजा आ गया बात करके उससे, मतलब ऐसा नहीं था कि बंदा यार कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है, बट जो उसका इंटरेक्शन है कस्टमर के साथ, पूरी डिटेल्स बताएगा आपको प्रोडक्ट बेचने से पहले, तो उसने मेरे को बैटरी का स्टेटस तक चेक करवाया, एंड जो छोटी मोटी चीज होती है चेक करने के लिए, जैसे लेंस वगैरह देखा कि भाई स्क्रैच नहीं है, तो बेचने से पहले हर एक चीज अच्छे से और क्लियर तरीके से बताई कि भाई हाँ ये चीजें देख लो आप, और सबसे अच्छी बात है कि मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट में। अभी मुझे GoPro की एक और एसेसरीज पिक करनी है, और उसके लिए मुझे जनकपुरी जाना है, एक्चुअली मैंने यहीं से खरीद ली थी, बिल तो मैंने करवा लिया, एक और उनका जो ऑफिस है वो जनकपुरी में, तो वहाँ पे मुझे बैटरी मिलेगी एक एक्स्ट्रा, क्योंकि GoPro की एक बैटरी से चलता नहीं है काम, एक एक्स्ट्रा बैटरी तो चाहिए होती है, बस उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। यहीं पे है उनका एड्रेस B1611, जो वेबसाइट में मेंशन है, यहीं से मुझे बैटरी मिलेगी, मैं ढूंढ रहा हूँ कौन सा एग्जैक्टली 612 611। ये रहा जी, तो बैटरी मिल गई अपने को, और ये चीज़ सील पैक है, वो बता भी रहते हैं कि जो एसेसरीज आती हैं वो GoPro से ही आती हैं और सील पैक रहती हैं, बैटरी बिल्कुल भी लग रहा है कि ओपन है, तो मैं बस जस्ट कंफर्म करने के लिए कि GoPro 9 की ही बैटरी है या नहीं, तो कंफर्म है बैटरी तो GoPro 9 की ही है, बाकी सारी आप चीज़ें घर पे जाके देखेंगे। तो मैं एक चीज़ दिखानी है हमारे लिए, गिफ्ट, हाँ गिफ्ट है, ये लो तुम्हारा गिफ्ट, ये वो है क्या GoPro? हाँ देखो तुम्हारा गिफ्ट, इससे तुम बहुत अच्छी अच्छी लगोगे ब्लॉग में। शाबाश बेटा, अभी पानी में डुबाऊंगा नहीं मैं अब। ऑलराइट गाइस, बात करेंगे GoPro हीरो 9 की, तो फाइनली आई क्या रियली, जब से मैंने 7 यूज करना स्टार्ट किया था तो GoPro की इतनी इंपॉर्टेंस होती है ना मुझे पता चल गया था, और उसके बाद 7 खराब हुआ तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग चीज़ें लग रही थी, व्लॉग्स में काफ़ी चीज़ें होती जो मैं एक एक्शन कैमरा से ही शूट कर सकता था वो मिस हो जाते थे, बट अब फिलहाल वो कुछ भी मिस नहीं होगा क्योंकि GoPro हीरो 9 आ गया अपने पास। एक एक करके सारी चीज़ें कवर करेंगे जो मैंने कहा था, फर्स्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने से पहले एक बार मैं थोड़ा रिव्यू करा देता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। ये सील पैक प्रोडक्ट नहीं होता, ये सील ओपन होता है, इसको ओपन बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। होता है कि कई बार शिपिंग वगैरह में या फिर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि बॉक्स फट जाते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रोडक्ट फिर उन कैटेगरीज में नहीं बिकते जो एकदम न्यू सील पैक बॉक्सेस होते हैं। ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये थोड़े सस्ते बिकते हैं, उसका रीज़न क्योंकि ओपन बॉक्स होते हैं, बट हाँ ये बिल्कुल भी यूज नहीं है, मैंने एकदम चेक किया था वहाँ पे, और सबसे अच्छी बात होती है इनमें आपको एक साल की कंपनी की GoPro से वारंटी होती है, जो मेन चीज़ होती है, इसलिए मैंने ये खरीदा। तो GoPro 9 के साथ उन्होंने थोड़ा चेंज किया, अभी GoPro 10 में भी आता है कि इन्होंने ऐसे बॉक्स देना स्टार्ट कर दिया है, अच्छा है, थोड़ा कैरी करने के लिए सही रहता है, बट मैं तो ये कैरी करके नहीं जाता क्योंकि ट्रैवलिंग में एक बॉक्स क्यों करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं GoPro हीरो 9 की। अभी देखो ये वैसे कोई टेक्निकल अनबॉक्सिंग तो करता नहीं, तो जो है वो आपके सामने है, ये है GoPro हीरो 9, और 9 देख लो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सामने, GoPro जैसे देता है बैजिंग वो है, फ्रंट साइड स्क्रीन है इसके, अगर देखोगे तो फ्रंट में आपको दिख भी रहा होगा फ्रंट स्क्रीन, तो ये रहा, और ये है बैक स्क्रीन, बाकी ऑलमोस्ट फीचर सेम है देखने के, बट GoPro 7 से जो मुझे थोड़ा बहुत फर्क लगा, एक तो इसका साइज बहुत बढ़ गया है, 8 से भी बड़ा साइज है, और 8 की तरह सेम यहाँ पे एक इन्होंने नीचे ही माउंट दे दिया है ये जो बॉडी के अंदर, तो ठीक है। मुझे एक चीज जो इसकी थोड़ा सा वो लगा कि ये ना यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट या साइड में अगर कुछ भी होता तो मुझे साइड वाला ऐसे खोलना पड़ेगा, अगर मैं मीडियम मोड लगाता हूँ तो पहले मुझे मीडियम मोड निकालना पड़ेगा और फिर डालना पड़ेगा, तो बस यही चेंजेस हैं इसमें। इसमें सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो मैंने टेम्पर्ड मंगाए थे ऑनलाइन अमेजोन से, तो मुझे टेम्पर्ड लगाना है तीनों में, फ्रंट और बैक स्क्रीन में और लेंस के ऊपर, ताकि स्क्रेचेस वगैरह कुछ ना लगे अगर मैं कुछ भी एक्टिविटीज वगैरह करता हूँ। तो फर्स्ट चीज़ GoPro हीरो 9 मेन कैमरा, इसके साथ आता है एक टाइप सी, और ऐसे करके कुछ माउंट आता है जो बाय डिफॉल्ट पहले प्रोडक्ट में भी आता था, तो इसको हेलमेट वगैरह में मोटो व्लॉग में लोग यूज बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि स्क्रू आता है और एक आता है ये ऐसे 3mm की टेप के साथ, बिल्कुल ही नूब हो रखा हूँ मैं, ये ऐसे लग जाता है,
तो इसके ऊपर आपने गोप्रो लगा लिया, इसको कहीं चिपका दिया ऐसे करके, तो वो गोप्रो लग जाता है। इसमें बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ें हैं जो कभी कोई पढ़ता नहीं है। हाँ, कुछ स्टिकर्स वगैरह अगर कहीं लगाने हो तो लगा सकते हैं, बट ये ईजी है क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो माउंटेन्स वगैरह बहुत जाना होता है, हाइकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो उसमें ये बड़ा, अभी देख रहे हो इतना जाइंट कैमरा लेके जाना ट्रैकिंग में, इतने बड़े कैमरे से मैं ट्रैक करूँगा तो समझ रहे हो कि वो कितना, पहले तो हिलेगा, थोड़ी देर बाद तो मेरा हाथ ही दर्द करने लग जाएगा। तो हाइकिंग और ट्रैकिंग में बड़ा मुश्किल होता है इन कैमरास को लेके जाना, DSLR को, इतना बड़ा लेंस इसमें लगा हुआ है, ऊपर से फिर ट्राईपॉड होगा नीचे, ये तो खैर अभी बड़ा और ट्राईपॉड है। तो ये GoPro रहेगा, स्मॉल कैमरा, अच्छी क्वालिटी में 7 यूज़ किया है, उससे बहुत सारी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, तो इट्स बहुत सही रहता है और आराम से ईजी करता है, हाथ भी थोड़ी देर पेन नहीं होता है कि ऐसे 10-15 मिनट आपने ऐसे पकड़ा उसके बाद हाथ आपका दर्द करने लग गया, तो वो चीज़ें सब GoPro में नहीं होती। सो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। बाकी आपकी कुछ क्वेरीज है रिगार्डिंग इस प्रोडक्ट के बारे में, भाई सील ओपन लेना फायदेमंद है, ओरिजिनल होता है या नहीं होता, भाई बिल मिल रहा तो ओरिजिनल ही है, बाकी कोई भी कुछ क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। और बाकी जहां से मैंने खरीदा है उनकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, आप चाहो तो खरीद लो। मेरा सजेशन ये रहेगा जो वेबसाइट में प्राइस है उससे भी और ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हो तो जहाँ पे उन्होंने फ़ोन नंबर दिया उनके कॉल करो और बेस्ट प्राइस ले लो। हालांकि वो बेस्ट प्राइस डिपेंड करता है कि पीछे से कितनी सप्लाई हो रही है, तो उसको भी ध्यान रखना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।